नमस्कार, मैं हूं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में दाखिल खारिज आसानी से हो सके, इसको लेकर बिहार की नीतीश सरकार बड़ी ही सजगता से काम कर रही है। इसी कड़ी में अब नीतीश सरकार ने दाखिल खारिज के मामले में नई व्यवस्था को लागू करने का ऐलान किया है, जिसके तहत ही अब बिहार में दाखिल खारिज में ऑड इवन का प्रयोग होने वाला है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने इसके लिए नई व्यवस्था को लागू करने का काम कर दिया है, जिसके बाद ही अब ऑड संख्या वाले हलका के मामले में अंचलाधिकारी और इवन संख्या वाले हलका के आवेदनों का निपटारा राजस्व पदाधिकारी करने वाले हैं। इसे प्रभावी बनाने के लिए ही अब सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जा रहा है। एनआईसी ने इसकी टेस्टिंग का काम भी अब शुरू कर दिया है। कई नए फीचर्स जोड़े गए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से पत्र मिलते ही उम्मीद है कि मई के अंत सप्ताह तक सॉफ्टवेयर को विभाग को सुपुर्द कर दिया जाएगा। ये व्यवस्था अब उन अंचलों में लागू होगी जहां पर अंचलाधिकारी और राजस्व पदाधिकारी दोनों की नियुक्ति होने वाली है, जिसके बाद ही अब जिन भी अंचलों में राजस्व पदाधिकारी नहीं होंगे, वहां सीओ और प्रभारी सीओ पूर्व की व्यवस्था में बने रहने वाले हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब दाखिल खारिज सहित अन्य मामलों में निस्तारण में तेजी लाने के लिए राजस्व पदाधिकारियों को दी गई शक्तियों को प्रभावी कर दिया है। दाखिल खारिज सहित राजस्व संबंधी मामलों के लंबित होने की संख्या बहुत बढ़ जाने पर मुख्यमंत्री ने चिंता भी जताई थी। इसके समाधान के तहत ही राजस्व पदाधिकारी का पद सृजित कर उनकी नियुक्ति की गई है। हालांकि बिहार के नीतीश सरकार की तरफ से 1 अप्रैल से ही राजस्व पदाधिकारियों को म्यूटेशन का अधिकार देने का आदेश दिया गया था, लेकिन आधिकारिक रूप से काम के बंटवारे को प्रभावी आदेश अब जाकर दी गई है। सॉफ्टवेयर के क्रियाशील होने पर व्यवस्था प्रभावी अपर सचिव सह निदेशक भूमि अर्जुन सुशील कुमार की माने तो वर्तमान में ऑनलाइन दाखिल खारिज सीओ और राजस्व अधिकारी की तरफ से किए जाने का सॉफ्टवेयर निर्माणाधीन है। इसके काम करने के बाद अब सीओ राजस्व पदाधिकारी दोनों की तरफ से दाखिल खारिज किया जाएगा। तब तक सीओ ही दाखिल खारिज याचिका का निष्पादन करेंगे। दाखिल खारिज के लिए ही अब सभी आवेदन याचिकाएं पहले की ही तरह सीओ के यहां दायर किए जाएंगे। और नंबर वाले हलका के लिए भूमि दाखिल खारिज के लिए सक्षम प्राधिकार सीओ होंगे। आम खास सूचना सुनवाई, दाखिल खारिज आदेश, शुद्धि पत्र आदि सभी कार्रवाई सीओ ही करेंगे। वहीं सम संख्या यानी कि इवन नंबर वाले हलका में संबंधित सक्षम प्राधिकार राजस्व अधिकारी होंगे। राजस्व पदाधिकारी के स्तर से मामले का निष्पादन होने वाला है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में हलका सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई है। एक या एक से अधिक गांव को मिलाकर एक हलका बनाया गया था। जिस गांव के नाम पर हलका बना है, वहां हलका कार्यालय खुला है और उसका प्रभारी राजस्व कर्मचारी को बनाया गया है। सरकार ने ये एक दशक पहले हलका का डिवीजन कर एक पंचायत एक हलका के गठन की घोषणा की थी, पर कुछ जिलों में ही ये व्यवस्था प्रभावी है। नए परिसीमन से पंचायतों की संख्या बढ़ती गई, पर हलका का डिवीजन नहीं हो सका। अभी 8,387 पंचायत है, पर हलका करीब 5,000 के आसपास है और अंचलवार नंबरों में बटे हुए हैं। उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार में दाखिल खारिज की जो समस्याएं आती हैं उसका निष्पादन हो सकेगा और सरकार इसका सही समाधान निकाल पाएगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।